करीब आके जो है हम हार गए यार, मतलब ये टचिंग डिस्टेंस पे था, यूं देख रहे थे और वैसे नदीदों की तरह देख रहा था, ये तो किसी शक्ल से लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा जो है डिजर्व भी करता है। अब चेक करो नहीं किस तरह देख रहा है, होमवर्क करता है उस पे बिलीव करना। कल भी एंडी जब आए थे उन्होंने यही बात की, इट्स सिली नॉट इंफॉर्मेशन डेटा जो आपके बटलर के साथ आज किस्मत है। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि ठीक है पिच थोड़ा सा बॉलर्स को हेल्प कर रहा था, लेकिन हमने तकरीबन कोई 7.5-8 ओवर मिडिल ऑर्डर रिजवान के जल्दी आउट होने के बाद हारिस आए। हारिस ने जिस तरह से पहले 5-6 बॉल खेले लग रहा था बॉल बाउंस आ रहा है थोड़ा। हम भी ये बात कहते कि नहीं बिल्कुल सही उसका डिसीजन है, पॉइंट लाओ टेक्निकली आप थे जी प्लीज यू इफ मैंने कैरी ऑन कर इंपॉर्टेंट था। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल करली मीडिया लेटेस्ट इंडिया में। दोस्तों पाकिस्तान फाइनल में हार चुका है और पाकिस्तान की चलकर राख हो चुकी है। ऐसे वीडियो के लिए आप भाई को चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में, तब तब के लिए जय हिंद जय भारत। डिस्टेंस पे था यू, ओए इतना करीब आके जो है हम हार गए यार, मतलब ये टचिंग डिस्टेंस पे था, यूं देख रहे थे और वैसे नदीदों की तरह देख रहा था, ये तो किसी शक्ल से लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा जो है डिजर्व भी करता है। अब चेक करो नहीं किस तरह देख रहा है, कहीं से नहीं लग रहा था कि ये लोग जो है ट्रॉफी लेके जाएंगे, लेकिन लेके चले गए। यार मुझे ये बताओ इंग्लैंड वालों को, तुम लोगों को किस चीज की कमी है? मतलब दौलत चौलत सब कुछ तो इनके पास है ही, उसके अलावा जो है यार पिछला वर्ल्ड कप भी तुम लोग जीत के गए, ओडीआई का कप भी तुम्हारे पास है, इसके ऊपर भी तुम लोगों की नजर आ गई थी हमारी इस मासूम से कप के ऊपर भी, ये भी हम छीन के ले जाएंगे। हमारा क्या कुछ तुम लोगों ने छीना है? हमारे वो अल्ताफ भाई हैं वो तुम लोगों ने छीने हुए, हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो तुम लोगों ने छीन के रखे हुए अपने पास जो है, और ये हमारा कप जो है वो भी तुम लोग हमसे छीन के चले गए। यार बीनों की लड़ाई थी, यार बीनों की लड़ाई थी, हमारा देसी बीन जो है वो कब तक आखिरकार लड़ता रहता है? यार देखो ना कहां से शुरू हुआ था, मासूम जिम्बाब्वे वाले मैच से शुरू हुआ था, जोर लगा रहा था, इधर तक आया, अब असली वाला बीन जो है वो जीत गया। एक हमारे पास जो है वो पाकिस्तानी बीन था यार, नकली बीन था, दूसरी तरफ हमारे पास पाकिस्तानी मुसलमान हल्क था, उस बेचारे ने भी बहुत जोर लगाया। पहले मैच से मासूम जो है जोर लगा रहा था, लेकिन जो आप सारा होमवर्क करते हैं उस पे बिलीव करना। कल भी एंडी जब आए थे उन्होंने यही बात की, इट्स सिली नॉट टू यूज दैट इंफॉर्मेशन डेटा जो आपके पास है, जो क्लियरली आपको बता रहा है कि वन ऑफ योर बेस्ट बैट्समैन अगेंस्ट दैट टाइप ऑफ बॉलिंग एट दैट टाइम, और अभी एक ओवर और उसने करना था आके, तो दैट कुड हैव बीन अ डिफरेंस फॉर इफ्तिखार। एंड पे हमें अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स स्क्वायर ऑफ द विकेट, हमें पता है कि वो मार सकता है बड़ी हिटें, वो हमें हेल्प करता, तो ओवरऑल आई थिंक दोज मिस्टेक्स बेसिकली हमें, और फिर शाहीन की इंजरी दैट वाज आल्सो अ बिग ब्लो। आई थिंक जो हमने स्टार्ट भी किया बॉलिंग का, बिट मोर डिसिप्लिन बिट मोर एक्सपीरियंस अगर होते हमारे बॉलर तो शायद रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट। बट एट द एंड आई हैव बीन प्लेइंग T20 फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई मीन हारिस राउफ इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट इन T20, एंड यू सी व्हेन बकार एंड यू गाइस टॉक अबाउट बैक ऑफ अ लेंथ इस पिच पे, बटलर के साथ आज किस्मत है, बहुत लक लेकर आया बटलर, कहां है जो के भी जिसको कहते हैं भाई यार बटलर, वो तो उसका छक्का देख उसने कैसे प्रेशर में कहां पीछे का बटलर जो अपना खेलता है, निकल जाए यहाँ पे जिसमें विकेट आ जाए ना, 26 बॉलों पे 38 मीटर बाहर क्या है वो चौका पड़ गया यार, 25/34 कैच वो छक्का, तो भरपूर फाइट तो की टीम ने, भरपूर तो नहीं कहूंगा, इसलिए कि मैं समझता हूं कि ठीक है पिच थोड़ा सा बॉलर्स को हेल्प कर रहा था, लेकिन हमने तकरीबन कोई 7.5-8 ओवर तो डॉट बॉल खेले हैं, हमने स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश नहीं की, हमने उनके अच्छे बॉलर बॉलिंग पे सिंगल्स नहीं किया, उन्होंने भी डॉट बॉल्स खेले लेकिन उन्होंने बाद में उस चीज को बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर दिया था। हमारे पास जहाँ पे हमारे बैट्समैनों को रन की जरूरत, जहाँ पे हमारे बैट्समैनों को रन की जरूरत ही हमें लास्ट 5 ओवरों में, वहाँ हमने रन भी नहीं किए, विकेट भी गिराई वहाँ पे,
तो आई मीन की गलतियां तो हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर 20-25 रन होते हमारे तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान मैच जीतने देता इंग्लैंड को। अच्छा शाहिद भाई, द इशू इसके हमने जहां उनको अपनी बॉलिंग में थोड़ा सा ऑफ के बाहर किया है, हम अनप्लेएबल होते रहे। आप नसीम को देख लें, आरिस को देख लें। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी, और पाकिस्तान के प्लेयर ने मायूस किया, स्पेशली इन मिडिल ऑर्डर। रिजवान के जल्दी आउट होने के बाद हारिस आए। हारिस ने जिस तरह से पहले 5-6 बॉल खेले, लग रहा था बॉल बाउंस आ रहा है थोड़ा, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी, दो तीन दिन से बारिशें चल रही थी, बॉल सीम हो रहा था। मगर दूसरे साइड पे बाबर आजम कप्तान खड़े थे, उनको चाहिए था कि हारिस को समझाते कि अभी सूरत हाल हमारे कंट्रोल में नहीं है, थोड़ा इस मैच को आगे लेके जाए, 2-3 ओवर आगे लेके जाए। मगर वो आउट हो गए पहले ही बॉल पे। आदर रशीद की गेंद पे उन्होंने मारा, बड़ी बाउंड्री, बड़ी ग्राउंड थी, हिट नहीं लगी, आउट होके वापस चले गए। उसके बाद जो एक ही पार्टनरशिप पाकिस्तान की लगी वो बाबर एंड ऑफ कोर्स शान मसूद। आज शान मसूद थोड़े पॉजिटिव खेलते हुए मुझे नजर आए, उनकी जो पार्टनरशिप 38-39 रन की पार्टनरशिप लगी। अगेन बॉलिंग ने प्रूव किया, 19th ओवर तक मैच लेके गए सिर्फ 137 रन को डिफेंड करते हुए, तो परफॉर्मेंस नो डाउट एक फाइटिंग मैच हुआ, एक स्प्रिट नजर आई पाकिस्तान टीम। हाँ, जब बड़े टूर्नामेंट आप हारते हैं नेक्स्टली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह मैं कहूँगा कैप्टन आपके जहन में होना चाहिए कि कैप्टन से इस वर्ल्ड कप में काफ़ी कुछ गलतियाँ हुई हैं और वो स्टबर्न हुई है, बिल्कुल हाँ होती आई हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था कि वो अपने जो भी वो डिसीजन कर जो उनके माइंड में थे उस पर स्टिक करें, बट वो पे ऑफ नहीं किए। अगर पे ऑफ करते तो जाहिर सी बात है हम भी ये बात कहते कि नहीं बिल्कुल सही उसका डिसीजन था, वो एक पॉइंट लॉस टेक्निकली आप थे जी प्लीज यू नो इस मेरी कैरी ऑन कर इंपॉर्टेंट था। अगर आप एक चीज नोट करें जी, ये इंग्लैंड की अप्रोच, वो अपने प्लेयर्स को स्पेशली एशिया में पुश करते हैं वो लीग्स खेलने। जी जी 139 प्लेयर्स इंग्लैंड के रजिस्टर्ड हुए पीएसएल के लिए। वाओ, तो के देखो मैं पैदा इंग्लैंड में हूं, इंग्लैंड मेरे खूनों में है। अच्छा, मैं मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखो मैं पैदा इंग्लैंड में हूँ, इंग्लैंड मेरे खूनों में है। अच्छा। मैं सपोर्ट किसे कर रहे थे फिर खूनों में इंग्लैंड को शुरू से? जी हारने के बाद तो नहीं ये कह रहे? नहीं मैं पैदा ही उधर हूँ। मैं आप इनके साथ है? नहीं नहीं आपके साथ कौन है? मेरे साथ आजे भाई, हम इंग्लैंड में, ये कह रहे मैं इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है। आप किसे सपोर्ट कर? मैं भी इंग्लैंड को कर रहा था। तो कर रहे थे फिर तो आपको खुशी होनी चाहिए। तो खुशी हो रही है, बिल्कुल जबरदस्त। स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन आप किसी भी टीम को सपोर्ट कर सकते हो, चाहे वो इंग्लैंड को या किसी, क्या वजह है? पाकिस्तान के में रह के आपने जब मैच देखा क्या फील हो रहा है, और इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान का मैच होता ज्यादा मजा आता? देखें हारो या जीतो एक ही बात है, गेम है तो गेम है ना, इसलिए मैं फिर भी इंग्लैंड को करूंगा। बहुत शुक्रिया आए मजीद की। तो दोस्तों पाकिस्तानी फॉर्मर प्लेयर शोएब अख्तर, अकीब जावेद, वसीम अकरम, मिस बाउलक सभी लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की बैटिंग ने पाकिस्तान को बुरी तरह से मैच हरवा दिया। पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर इंग्लैंड जब पाकिस्तान में खेलने आया था तब भी फ्लॉप था, और वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर फ्लॉप ही रहेगा। और हम इंडियंस को तो खुशी है क्योंकि हम वर्ल्ड कप इंग्लैंड भले ही जीता, लेकिन इंग्लैंड जिनका प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडियन ही है तो हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तानियों की जलकर भून हो गई, लाल हो गई, जो भी कहे पाकिस्तानी तिलमिला रहे हैं अब जीत के लिए कि हम फाइनल कैसे हार गए, हमें फाइनल हारना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बहुत कुदरत का निज़ाम कर रहे थे, देखो ये है कुदरत का निज़ाम। और जो पाक मीडिया बहुत देर से कह रहा था बहुत दिनों से कि ये कुदरत का निज़ाम है, ये होता है कुदरत का निज़ाम, जैसे इंग्लैंड ने फाइनल को जीत लिया, अब बोलो ना कहाँ गया तुम्हारा कुदरत का निज़ाम और सब कुछ, कहाँ गया कुदरत का निज़ाम? इसे कहते हैं जो इंग्लैंड फाइनल जीत गए वो भी बहुत ही आसानी से, 19 ओवर में इंग्लैंड ने चेज कर लिया और इंग्लैंड वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके हैं।